जैन तीर्थ समेत शिखर को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के विरोध में बाहर के व्यापारी भी सड़क पर उतरेंगे। बुधवार को आधे दिन मार्केट बंद रहेगा। वहीं करूं तनाज मंडी व्यापारी इस दिन खरीदी नहीं करेंगे। इधर सकल जैन समाज बुधवार को मौन रैली की निकालेगा। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भारतीय व्यापार मंडल भोपाल व्यवसायी महासंघ समेत कई संगठनों ने 21 दिसंबर को दुकानें दोपहर 2 बजे तक रखने का फैसला लिया है। भोपाल ग्रेन एंड ऑयल चिट्स मर्स एसोसिएशन ने मंडी में नीलामी कार्य में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया। यानी करूद अनाज मंडी व्यापारी बुधवार को अनाज खरीदी नहीं करेंगे। भोपाल व्यवसायी महासंघ के राकेश अग्रवाल ने बताया कि हमारी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासतों में शामिल समेत शिखर जी की तीर्थ क्षेत्र के स्थान पर आमोद प्रमोद स्थल घोषित करना सरकार का अनुचित कदम है। तीर्थ क्षेत्र तीर्थयात्रा के लिए होते हैं जिसमें श्रद्धा भाव होता है, पर्यटन स्थल पर मनोरंजन का भाव रहता है। भोपाल ग्रीन एंड ऑयल सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के हरीश कुमार ज्ञानचंदानी, प्रवक्ता संजीव कुमार जी ने बताया कि सकल जैन समाज के प्रदर्शन को अनाज व्यापारियों का समर्थन है, इसलिए बुधवार को अनाज मंडी में खरीदारी नहीं करेंगे। झारखंड सरकार की अनुशंसा पर समेत शिखर का पर्यटन क्षेत्र घोषित करने से पूर्व देश में जैन समाज जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जैन धर्मावलियों की माने तो श्री समेत शिखर जी से जैन धर्म 24 में से 20 तीर्थकर भगवान और असंख्य महामुनि राजों ने इस पवित्र भूमि में तपस्या कर निर्वाण प्राप्त किया है, जिससे यह जैनों का सबसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र माना जाता है।